वेलकम टू मुकेश मेहता अनंत अकेडमी चैनल पर आप सबका। टुडे वी डिस्कस पोइम विंड, क्लास नाइन्थ। सेकंड पोइम है, बेहाई बुक से है। सीबीएसई एंड एचबीएसई के एग्ज़ाम में कम्प्रीहेंशन और क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। सुब्रह्म भारती की लिखी हुई है, ये तमिल में है ये, बट इसे ट्रांसलेट किया है ए के रामानुज ने। तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और वीडियो को एंड तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, और कमेंट करके बताएं कि ये आपको वीडियो कैसी लगी। अगेन मोस्ट वेलकम टू मुकेश मेहता आनंद अकेडमी चैनल पर आपका। तो हम पूरी समरी करेंगे पोइम की, उससे पहले थोड़ी सी हम इसके थॉट्स के बारे में देखते हैं। पोइट इसमें ये आइडिया एक्सप्लेन करता है कि जो वीक पर्सन होते हैं उनकी कोई भी परवाह नहीं करता, यहाँ तक कि जो भगवान है, गॉड है, वो भी पावरफुल पर्सन की हेल्प करता है। इसलिए हमें किसी से हेल्प नहीं मांगनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति जितना वीक होगा उतनी ही उसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जाता है, ये पॉइंट जो है आइडिया देती है यहाँ। और एक इस बात को एक एग्जांपल से समझाती है, समझाता है पोइट। कहता है कि जब आग लगी हो और हवा चल जाए तो वो बुझ जाती है, लेकिन कहता है वहीं एग्जांपल देता है कि यदि आग ज़्यादा तेज हो, शक्तिशाली हो आग, और तेज कर देती है। यही यहाँ पॉइंट विचार देना चाहता है कि यदि हम शक्तिशाली हैं तो हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, हम और पावरफुल हो जाएंगे। तो इसलिए पॉइंट यहाँ एडवाइस देता है कि हमें जो है अपने आप को पावरफुल बनाना है, और हमें जो है अपने घरों को मजबूत बनाना है, अपने दिल को मजबूत बनाना है। जीवन के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर कोई भी समस्या आई, उसका सामना जो है हमने ताकत से करना है। हाँ, बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जीवन में, बहुत सारी लाइफ आती, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन उनका सामना वो शक्ति से करते हैं, पावर से करते हैं, और वो अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत करते हैं। तो इस तरह की थॉट्स इसमें पोइम में हैं। बाकी हम पूरी पॉइंट को रीड करेंगे, क्योंकि इसमें से आपको पता है कि वर्ड मीनिंग पूछे जाते हैं तो कम्प्रीहेंशन इजी हो जाएगा। हाँ, डिवाइस की बात भी करेंगे हम, क्वेश्चंस भी किस तरह से एग्ज़ाम में आते हैं वो बात करेंगे। तो पॉइम है विंड, हाँ जी, द विंड ब्लो स्ट्रोंगली एंड काज ए लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, हाउ कैन वी मेक फ्रेंड विद इट। यानी पोइट यहाँ ये कहता है कि हवा जो है शक्तिशाली होती है, वो विनाश कर देती है, डिस्ट्रक्शन करती है, फिर हम उसके साथ दोस्ती कैसे कर सकते हैं। तो ये पॉइंट इसमें बताएगा हमें कि किस तरह हम उसके साथ जो है दोस्ती कर सकते हैं। हाँ, तो मैंने जैसे आपको बताया था कि ये सुब्रह्म भारती की लिखी है, वो एक ग्रेट तमिल पॉइंट थी। सुब्रह्म भारती इज ए ग्रेट तमिल पॉइंट फेमस फॉर हिज पैट्रियटिज्म इन द प्री इंडिपेंडेंस इरा। तो और इसे ट्रांसलेट मैंने जैसे आपको बताया किसने किया, ए के रामानुजन, वो कन्नड़ एंड इंग्लिश पोइट हैं और फेमस हैं, वेल नोन, ठीक है। तो पोइम स्टार्ट करेंगे हम, फर्स्ट स्टेंजा हम स्टेंजा वाइज करेंगे, इसके वर्ड मीनिंग साथ साथ करेंगे हम। वाइंड कम्स सॉफ्टली, पोइट यहाँ ये कहता है विंड से, विंड कम सॉफ्टली, विंड जो है बड़े आराम से आओ, डोंट ब्रेक दी शटर ऑफ दी विंडोज, खिड़कियों के फ्रेम को मत तोड़ो, डोंट स्कैटर दी पेपर, कागजों को मत बिखेरो, डोंट थ्रो डाउन दी बुक्स ऑन दी सेल्फ, और सेल्फ के ऊपर से बुक्स को मत गिराओ। तो यहाँ एक वर्ड यूज हुआ है स्कैटर्स, तो इसका मीनिंग है स्कैटर का थ्रो इन डिफरेंट डायरेक्शन,
थ्रो इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो ये आप देख सकते हो स्कैटर कैसे होते हैं पेपर, यानी कि कागज़ जो है इधर इधर बिखेर देती है, इस तरह विंड जो है। आगे देखिए, डोंट थ्रो डाउन दी बुक्स ऑन दी सेल्फ, दे आर लुक व्हाट यू डिड, देखो तुमने यह क्या कर दिया है। यू थ्रो देम ऑल डाउन, तुमने सबको यहाँ नीचे गिरा दिया है। हाँ जी, तुमने यहाँ सबको नीचे गिरा दिया है। यू टोर द पेज ऑफ दी बुक्स, तुमने किताबों के पेजों को फाड़ दिया है। तो पोइट यहाँ जो है हवा से ये डायरेक्शन दे रहा है कि आप जो है बड़े आराम से आओ, कागजों को मत बिखेरो। तो इस क्या कह रहा है सेकंड स्टैंजा में। हाँ जी, यू ब्रोट रेन अगेन, तुम दोबारा वर्षा को ले आए हो। यू किसके लिए यूज़ किया गया है? हाँ जी, विंड के लिए, हवा के लिए। यू आर वेरी क्लेवर एंड पोकिंग फन एट वीकलिंग, तुम बड़ी चालाकी के साथ। पोकिंग फन का मीनिंग होता है यहाँ, हाँ जी, पोकिंग फन का मीनिंग होता है मजाक उड़ाना, यानी मॉकिंग। तो आप यहाँ देख सकते हो ये वर्ड इसका मीनिंग, हाँ ये पोकिंग फन, इसका मीनिंग क्या है जी, मॉकिंग। और वीकलिंग का मीनिंग क्या है? वीक पर्सन। तुम बड़ी चालाकी के साथ कमजोर लोगों का मजाक उड़ाती हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउस, या फ्रेल वर्ड का मीनिंग भी यू पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, वो ऐसे पूछेगा ईजली डैम्ड या ईजली ब्रोकन। तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे? फ्रेल। हाँ, इस क्रम्बलिंग का मीनिंग क्या है भाई? क्रम्बलिंग का मीनिंग है फॉलिंग टू, यानी नीचे गिरा देना, या ये कह लो कि टुकड़े होकर नीचे गिरना, टुकड़े टुकड़े होना। हाँ, फॉलिंग इन टू फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट्स में टुकड़े टुकड़े होकर नीचे गिरना। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउस, तुमने जो है हवा को डायरेक्शन दे रहा है कि तुमने घरों को गिरा दिया है, मतलब टुकड़े टुकड़े कर दिया है। क्रम्बलिंग डोर्स, टुकड़े टुकड़े होकर दरवाजे गिर रहे हैं। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, टुकड़े टुकड़े होकर बाली गिर रही है। राफ्टर्स क्या होता है? यहाँ आप वर्ड्स देख सकते हैं इसका मीनिंग राफ्टर का। हाँ जी, राफ्टर का मीनिंग आप यहाँ देख सकते हो, देखिए जरा राफ्टर का मीनिंग। तो ये राफ्टर का मीनिंग है फ्रेम वर्क ऑफ बीम ऑफ ए रूफ। आपने देखा होगा बाली, आपने एक वर्ड सुना होगा हिंदी में। तो ये जो है ये जहाँ दिखाई दे रही है ये बाली है, ये यानी कि कोई बीम बनाया जाता है छत, जैसे हम छत बनाते हैं रूफ, उसके में ये यूज़ की जाती है। तो उसको तोड़ दोगी तुम, यानी छत टूट जाएगी यदि ये फ्रेम टूट गई। तो फ्रेम वर्क होता है राफ्टर, इसको बोलते हैं बाली, बालियों को तुम तोड़ दोगी, हवा को कह रहा है। यानी कहता टुकड़े टुकड़े होकर बाली टूट रही है, क्रम्बलिंग वुड्स, टुकड़े टुकड़े होती लकड़ी हो रही है, लकड़ी भी टुकड़े टुकड़े हो रही है। क्रम्बलिंग बॉडीज, शरीर टूटते शरीर हैं वहाँ पर। क्रम्बलिंग लीव्स, टूटते हुए जीवन हैं, टूटते दिल हैं। क्रम्बलिंग हार्ट्स, दी विन गॉड विनोस एंड क्रश दम ऑल। विन गॉड, पवन देव ने यानी वायु देव ने, विनोस मीन होता है बीट्स एंड सेपरेट्स, मीन्स उन्हें बिखेर देना। विनोस मीन बिखेरना, हाँ, बीट्स एंड सेपरेट, सेपरेट मीन फैला देना, बिखेर देना। पवन देव ने उन्हें बिखेर दिया है और प्रत्येक चीज़ को, एंड क्रश होता कुचलना, क्रश दम ऑल, उन सबको कुचल दिया है। तो आपने यहाँ देखी लाइन वाइज समरी, तो यहाँ आपने राफ्टर्स भी समझ लिया कि राफ्टर क्या होते हैं, कड़ी क्या होती है। तो आपने ऐसी छतें देखी होंगी घर में। हाँ जी, और ये विंडो देख सकते हो आप, विंडो क्रम्बलिंग हो रही है, टूट रही है। हाँ जी, आगे थर्ड पैसेज करेंगे हम इसका, थर्ड स्टेंजा।
ही वुड नॉट डू वॉट यू टेल हिम, यह है वो विंड गॉड के लिए यूज हुआ है। तो पोइट कहता है कि विंड गॉड वैसा नहीं करेगा जैसा तुम कहोगे, व्हाट यू टेल हिम, जैसा तुम उसे कहोगे वैसा नहीं करेगा। सो कम लेट अस बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम, इसलिए आओ हम शक्तिशाली यानी मजबूत घर बनाएं। यानी कि पोइट यहाँ ये कहना चाहता है कि हम जो है अपने आप को पावरफुल बनाएं। लेट अस जॉइंट द डोर फ्रीमली, आओ हम दरवाजों को पक्का बनाएं, हाँ फॉर्मली बनाएं। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, और हम प्रैक्टिस के द्वारा यानी अभ्यास के द्वारा अपने शरीर को और मजबूत बनाएं। मीन्स पॉइंट यहाँ ये कहना चाहता है कि हमें जो है अपने फिजिकली भी अपने आप को प्रिपेयर करना है और मेंटली भी करना है। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, और अपने दिल को हम जो है स्थिर बनाएं, अटल बनाएं, यानी हम आप मेंटली रूप से भी प्रिपेयर हों। डू दिस एंड द वाइंड विल बी फ्रेंड विद अस, यदि हम ऐसा कर लेंगे डू दिस तो विंड विल बी फ्रेंड विद अस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, तो विंड जो है हमारी, पवन जो है हमारी, हवा जो है हमारी मित्र बन जाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर, फिर वो एग्जाम्पल देता है पोइटियाँ कि विंड जो है, हवा जो है कमजोर आग को बुझा देती है, वीक फायर को, कमजोर आग को ब्लो आउट होता है पुट आउट, इसकी वर्ड मीनिंग आप यहाँ देख सकते हो। हाँ जी, इसकी वर्ड मीनिंग देख लीजिए। हाँ, स्टैड फास्ट का क्या मीनिंग है यहाँ पर, हाँ कॉन्स्ट एंड फ्रेम फॉर्म एंड रिसॉल्ट। हाँ जी, और एक वर्ड और यूज हुआ है यहाँ, इनके भी वर्ड मीनिंग यहाँ देख लीजिए आप। फॉर्म, मेक द बॉडी फॉर्म एंड लेस फैट, ठीक है। तो ये आपसे एग्जाम में पूछ लेगा वो, जैसे तो मेक द बॉडी फॉर्म एंड लेस फैट, तो वहां आपने इसका आंसर क्या लिखना है, फॉर्म। और अभी हम बात कर रहे थे पुट आउट, पुट आउट डाल देगा वो, पुट्स आउट एग्जाम में, तो आपने पैसेज में से वर्ड आंसर क्या देना होगा, इसका आंसर ब्लोज आउट। और यदि वो वर्ड डाल देता है प्रपोज या बी वाइड सेपरेट, तो आप इसका मीनिंग क्या लिखोगे, हाँ जी क्या मीनिंग लिखोगे, फ्लॉरिश, ठीक है जी। आगे देखिए पॉइंट को, तो हमें जो है अपनी दिल को स्थिर करना होगा, अटल बनाना होगा, यदि हम ऐसा कर लेंगे तो हवा हमारी मित्र बन जाएगी। द और एग्जाम्पल दे रहा है पोइटियाँ कि हवा जो है कमजोर आग को बुझा देती है, ही मेक स्ट्रोंग फायर रोर एंड फ्लॉरिश। ही किसके लिए यूज है, वाइंड के लिए, कि पवन देव जो है आग में गर्ज और चमक पैदा कर देता है, रोर एंड फ्लॉरिश, गर्ज और चमक पैदा कर देता है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, उसकी मित्रता अच्छी है, वी प्रेज हिम एवरी डे, हम उसकी प्रतिदिन प्रशंसा करते हैं। इस तरह हम पोइट ये मैसेज देना चाहता है यहाँ कि हम यदि शक्तिशाली हैं, यदि हम अपनी लाइफ के अंदर काम को अच्छे से करते हैं तो हम उसमें सक्सेस हो जाते हैं। तो इस तरह की थॉट्स पोइट यहाँ दे रहा है। हाँ, तो ये मैंने आपको बताया सुब्रह्म भारती की रिटन है ये पोइम, ट्रांसलेट फ्रॉम तमिल, तमिल से ये ट्रांसलेट की गई है, किसके द्वारा, बाय ए के रामानुज। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो विंड होती है वो किस तरह डिस्ट्रक्शन करती है, इन पेड़ों को गिरा देती है, दीवारों को गिरा देती है। हाँ जी, आप देख सकते हो यहाँ, और हाँ जी आगे हम डिस्कस करेंगे पोइट के डिवाइस के बारे में। तो यहाँ जो है पोइट ने रेपिटेशन का यूज़ किया, जैसे बार बार ये वर्ड यूज़ हुआ है, रिपीट हुआ है, क्रम्बलिंग ये, और प्रसोनिफिकेशन का यूज़ है यहाँ,
परसोनिफिकेशन होता है नेचर्स के बारे में बताना, तो यहाँ पोइट्स परसोनिफिकेशन कर रहा है। ये डिवाइस यूज़ हुई हैं और अल्ट्रेशन का भी यूज़ हुआ है, तो इसमें पोइट ने ये यूज़ किए हैं। तो आगे आपके लिए एग्जांपल्स कुछ एक्सरसाइज दे रहे हैं, एक्सरसाइज आपने रिप्लाई करना है कमेंट में। अभी जो है आप ये क्वेश्चंस आए भी हुए हैं एग्ज़ाम में, तो स्टेंजा फर्स्ट से आपने इस तरह से वर्ड मीनिंग पूछेगा जिसकी हम मैं बात कर रहा था कि वर्ड मीनिंग कैसे पूछा जाएगा। फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन, वो दे देगा थ्रो इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो फर्स्ट स्टेंजा जो आपने पढ़ा था उसमें से बताइए थ्रो इन डिफरेंट डायरेक्शन के लिए क्या वर्ड यूज़ किया। अभी टाइप कर दें इसका आंसर, अभी आप इस वीडियो के कमेंट में टाइप कर दें। हाँ, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, बट एक बात ध्यान में रखें, सेकेंड क्वेश्चन, हाँ ये मैंने यहीं राइट कर दिया है, ये जो है आपका हु डज ही इन दीज लाइन रेफर टू, ही वर्ड जो है जो यूज़ हुआ है वो थर्ड स्टेंजा में यूज़ हुआ है, जो लास्ट वाला स्टेंजा है वहाँ यूज़ हुआ है। तो उस स्टेंजे में आपने बताना है कि ही जो है किसके लिए यूज़ किया गया है। आपको बताया भी गया है पॉइंट को, आपने ध्यान से सुना है, तो आप इसका आंसर टाइप कर सकते हो। हाँ जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाउ डज द पोइट वांट, हाउ डज द पोइट वांट द विन टू कम, कवि जो है विन को कैसे चाहता है, अभी कैसे आए। What does the poet want the wind not to break? और कभी क्या चाहता है कि वो क्या चीज़ ना तोड़े। और लास्ट क्वेश्चन तो आपको पता ही अच्छे से करवा दिया, नेम द पोइम एंड द पोइट, पोइम का नेम बताना है और पोइट का नेम। ये भी आप अभी टाइप करके इनके आंसर वन सेंटेंस में, सेकेंड थर्ड और फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन के आंसर जो है वन सेंटेंस में टाइप करके अभी आप जो है सेंड कर दें। हाँ जी, अभी टाइप कर लें इस वीडियो के लास्ट में, कमेंट कर दें, कमेंट में आंसर टाइप कर दें। और स्टेंजा सेकंड और थर्ड की बात करें तो इसमें से वर्ड आपसे पूछा जा सकता है इस तरह से एग्ज़ाम में, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन, हाँ वो देगा वर्ड फॉर्म एंड कंस्टेंट, तो आपने इसका मीनिंग बताना है, ये पूछा भी गया एग्ज़ाम में। और नेक्स्ट है राफ्टर, ये भी आपको अच्छे से बताया, इसकी पिक्चर भी दिखाई आपको, राफ्टर इसका मीनिंग लिख के बताएं। हाँ जी, पुट आउट्स इसका मीनिंग भी आपको बताया है। तो ये आपके चैनल का नेम है मुकेश मेहता नाम, यदि आपको भी बात ना समझ आ रही हो तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके पूछ सकते हो। हाँ, और लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। हाँ, और अपने फ्रेंड्स को भी इसको सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।